हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ टेक्निकल नॉलेज विद आदित्य स्वप्निल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक शॉर्टकट की के जरिए आप विंडोज शट डाउन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप विंडोज़ प्लस एल प्रेस करेंगे तो होम स्क्रीन लॉक होती है, और अगर आप अल्टर प्लस F4 प्रेस करेंगे तो एक स्क्रीन आती है, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट रहती है, उसमें अगर आप उसमें स्लीप हाइबरनेट शट डाउन के ऑप्शन रहते हैं। वैसे ही एक शॉर्टकट है जिसके ज़रिए आप आपका पीसी शट डाउन कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको माउस से राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू पे जाना है, और वहाँ से शॉर्टकट करके ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो वो ओपन करने के बाद एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी कि विंडोज़ ओपन हो जाएंगी, और वहाँ पर आपको एक लोकेशन एंटर करनी पड़ती है। तो यहाँ से आप उसे ब्राउज़ भी कर सकते हैं, बट वो लोकेशन मेरे पास पहले अवेलेबल है, मैंने नोटपैड पे सेव करके रखी थी स्लाइड शट डाउन के लिए, तो मैं यहाँ से उसे कॉपी कर दूँगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, और वहाँ पे मैं ये कमेंट डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने के बाद आपको उसे नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अगर कौन सा दूसरा नेम देना है उसको आपके हिसाब से तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली स्लाइड टू शट डाउन रखा है .exe, और इसे फिनिश कर दिया है। तो ये देखिए, आप राइट साइड में यहाँ पे जो मेरा शॉर्टकट है वो क्रिएट हो चुका है, बट अगर उसे थोड़ा मैं और मॉडिफाई करूँ, थोड़ा आइकन वगैरह चेंज करूँ उसका, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो वो कैसे करेंगे तो यहाँ पे उसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपको। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे चेंज आइकन करके ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आइकन अवेलेबल है, यहाँ से आप कोई भी एक आइकन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पावर का एक आइकन दिया है, वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, और उसके बाद ओके। ओके करने के बाद आपका जो शॉर्टकट है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये जो शॉर्टकट है, इसके वजह से आप स्लाइड टू शट डाउन अगर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, यहाँ पे मैं इसे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मेरा पीसी शट डाउन होगा, अगर मैं ऊपर करूँगा तो एज ए नॉर्मल वो वर्क करेगा, शट डाउन नहीं होगा। तो ये एक सिंपल से शॉर्टकट की ज़रिए आप एक अट्रैक्टिव स्लाइड टू शट डाउन शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।